नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के ऑर्डिनेंस में भर्ती प्रक्रिया के तहत वॉक इन इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। इससे बीते 28 अगस्त को ही वेबसाइट में डाला गया और महज 3 दिन बाद यानी 1 सितंबर को इंटरव्यू रखा गया। सबसे चौंका देने वाला सवाल तो यह है कि वॉक इन इंटरव्यू किस दिन जारी किया गया। नोटिफिकेशन डिस्पैच का नंबर और दिनांक भी नहीं डाला गया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिन लोगों को भर्ती करना होगा उनको पहले से बात कर ये प्रक्रिया की जा रही है। इसमें वही लोग नौकरी पाएंगे जिनको इन्होंने जानकारी दी होगी। इस प्रकार की गड़बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चिंताजनक है। इसके पूर्व भी जो अध्यापक भर्ती हुई थी वो भी अभी भी जाँच के घेरे में है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश तिवारी ने इस भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी आदेश जारी किया जाता है तो उसमें आदेश का क्रमांक दिनांक का स्पष्ट उल्लेख किए जाने का प्रावधान है। वहीं जानबूझकर उसका उल्लेख न किया जाना संदेह के घेरे में प्रक्रिया को लाता है। केवल 2-3 दिन के नोटिस पर ऑर्डिनेंस के प्रावधान के विरुद्ध भारतीय उचित नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाए और सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर समय देकर भर्ती की जाए। धन पर आपने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्या पूरा मामला है? पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के द्वारा 28 अगस्त को ऑनलाइन वेबसाइट में एक सूचना जारी की गई जिसमें ना ही आदेश का उल्लेख किया गया था, ना ही उसमें दिनांक डाला गया था और उसमें एक भर्ती प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था कि इस आदेश के तहत 1 सितंबर को अतिथि शिक्षकों की तथा विभागीय स्टाफ की भर्ती की जाना था। इस भर्ती के लिए मात्र बेरोजगारों को केवल 3 दिन का समय दिया गया था और इसका सार्वजनिक रूप से विज्ञापन नहीं दिया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था, ना ही स्थानीय लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी थी। इससे स्पष्ट हो रहा था कि इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है और अंतिम में वही सही भी हुआ। उन्होंने इस संबंध में इंटरव्यू भी की लिया और भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि संपूर्ण भ्रष्टाचार कांड की उच्च स्तरीय जाँच कराए। इस संबंध में मेरे द्वारा ज्ञापन भी प्रेषित किया जा रहा है माननीय राज्यपाल को कि इसमें वो उच्च स्तरीय जाँच के आदेश प्रदान करेंगे।